कुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भिवाड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति के निर्देश पर भिवाड़ी की सभी औद्योगिक व सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर भिवाड़ी जिला बनवाने के लिए दिनांक 7/7/2023 को सुबह 10:15 पर मनसा चौक से लेकर एसपी ऑफिस तक पैदल पद यात्रा का आयोजन कर केकेआईए द्वारा मनसा चौक से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक किया। रास्ते में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम जिला बनाने के लिए ज्ञापन दिया और फिर एसपी साहब को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया। कुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप दायमा ने बताया कि भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में 6,000 औद्योगिक इकाइयां, लगभग 10,000 करोड़ का राजस्व सालाना दिया जाता है। जिला बनाने के लिए पहले से ही जिला अस्पताल, जिला पुलिस कार्यालय, एडीएम कार्यालय तरह के कई जिला लेवल के कार्यालय और 50 से अधिक आवासीय सोसाइटी, 100 से अधिक स्कूल, 3 कॉलेज और 50 से अधिक अस्पताल हैं, जो कि जिले बनने की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करते हैं। फिर भी जिले की घोषणा न होने से भिवाड़ी के सभी वर्गों में रोष है व लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से भिवाड़ी को जिला घोषित की मांग की जा रही है, जहां पर इस पदयात्रा में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ट्रस्ट, यादव समाज समिति, व्यापार मंडल बार एसोसिएशन, दवा विक्रेता संघ आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता मुकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जो हमने ये मुहिम चलाई है, आपको नहीं लगता कि कहीं हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीतिक जो हमारा पक्ष है, राजनीतिक जो हमारा नेतृत्व है, वो कहीं बेहद कमजोर रहा है? हमारी मुहिम कोई देर नहीं हुई है, हमारा जिला बनने का अधिकार बहुत पहले से है और ये आम आदमी की भी डिमांड थी और प्रशासनिक तौर पर भी राजस्थान सरकार की, अलग अलग सरकारें की, सबकी रिपोर्ट ये है कि भिवाड़ी को जिला बनाया जाए। उसकी रिपोर्ट के तहत ही भिवाड़ी को पुलिस जिला बनाया गया था। इसको राजस्व वाला जिला बनाने में कुछ देर हो गई, उसके लिए बाकी और जो कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूवल होना था, विधानसभा में अप्रूवल होना था, उसका वेट था। जब हमें लगा कि शायद इसमें भिवाड़ी की अनदेखी हुई है, तब हमने अपनी आवाज़ को उठाया है। ये आम आदमी की आवाज़ है और कोई लेट नहीं हुई है। हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में शायद हम नहीं पहुंचा पाए, आज उस बात को हम अपनी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात की जा रही है, इसमें ऐसी डिमांड जनता द्वारा लंबे टाइम से की है। मैंने कुछ 3 बार पहले यहाँ पे एडीएम साहब को दिया था, ज्ञापन दिया था, मांग भेजी गई थी। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दलों के लोग हैं, अपने अपने तरीके से प्रयास सभी कर रहे हैं। कोई भिवाड़ी को जिला बनने का विरोध नहीं कर रहा है। भिवाड़ी भौगोलिक स्थिति के, यहाँ की जरूरत के हिसाब से भी जिला बनने की सारी चीज़ों को पूरा करता है। ये सरकार के प्रदेश के हित में है कि भिवाड़ी को जिला बनाया जाए। सिर्फ भिवाड़ी के हित में नहीं है, ये प्रदेश के भी हित में है। और इस बात को शायद हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा नहीं पाए हैं। हमारा प्रयास इसी बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का है। डॉक्टर साहब, इस फेलियर के बाद में एक डर और सताने लगा है कि जो कार्यालय हमें यहाँ, जो सरकारी कार्यालय यहाँ हमें मिले थे, वो भी अब यहाँ से जाने की तैयारी में। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर एसपी ऑफिस जाता तो एक बार फिर से अपराध का बोलबाला हो सकता है? हम ये बात मानने को तैयार नहीं कि यहाँ से कोई ऑफिस जाएगा, और अगर ऑफिस गया तो हम धरने पे बैठ जाएंगे, ऑफिस का घेराव कर देंगे, चाहे वो कोई ऑफिस हो, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और जिला भिवाड़ी का 100% बनकर रहेगा, क्योंकि जब आम जनता उठ खड़ी होती है तो सरकार को बात माननी पड़ती है। तो भिवाड़ी जिला बनेगा, हर हाल में बनेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ना ये कि साहब यहाँ से ऑफिस शिफ्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं होगा। भिवाड़ी जिले से कम है कुछ मंजूर नहीं। तो इसके लेकर आपका क्या पक्ष रहता है? भाई, मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज इस संघर्ष समिति में आग लाए हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जैसे ये कह रहे हैं एस पी ऑफिस और एडीएम ऑफिस सारे उठ के जाएंगे, इसके लिए जी जान लगा देंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, हर तरीके से डॉक्टर साहब के साथ हैं हम। जहाँ तक गुजरना पड़ेगा वहाँ तक गुजरेंगे, कोई दिक्कत, चक्का जाम करना पड़ेगा चक्का जाम करके दिखाएंगे। तो ये बताएंगे कि ये एस पी ऑफिस जो खुला है, पहले ये सांत्वना दे दी भाई एस पी ऑफिस खुल गया, एडीएम ऑफिस खुल गया और अब तो जिला बन गया, और हमें भी ये इसी अंधेरे में रखा गया था। और वास्तविकता थी कि हमारे 5 जिलों में नाम भी था, लेकिन बाद में 19 जिलों में नाम ना आने पर बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। और इसके लिए मैं सभी संघर्ष समितियों को, सभी को ये कहूँगा कि 2 दिन का, 4 दिन का, चाहे 5 दिन का भूख हड़ताल में बैठना पड़े तो मैं तैयार हूँ उसके लिए।
जैसा आप सहयोग चाहोगे मिलेगा। जैसा कि एक हफ्ता हो गया है, आने वाले दिनों के लिए जैसे डॉक्टर साहब संघर्ष समिति हमें आदेश देगी उसके बहने पहले हम तैयार हैं, जैसे आदेश करेंगे उसके लिए हमेशा तैयार। कुल मिला के लास्ट अल्टीमेटम यही है कि हमें जिला चाहिए तो चाहिए, जिला चाहिए तो चाहिए, इसके लिए जो हद तक गुजरना पड़ेगा हम गुजरेंगे। थैंक यू सर। कार्यक्रम जारी रहेगा। आज भिवाड़ी जिला बनाओ समिति के नेतृत्व में कुशकेड़ा प्यारोली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा पैदल यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम मनसा चौक से एसपी ऑफिस तक जाकर वहां पे एसपी साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग रखेंगे। हमारे साथ हमारे सभी सामाजिक संगठन, सभी औद्योगिक संगठन और भिवाड़ी की जितनी भी संस्थाएँ हैं सभी एकजुट एक बैनर तले जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथ काम कर रही है और हम सबकी एक ही मांग है कि भिवाड़ी जिला बने। अध्यक्ष जी, आपको नहीं लगता है कि कहीं ये मांग अब बहुत तो लेट हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है जी, मांग हमारी पहले भी थी, मांग आज भी है, पर किसी कारणों से हमारे भिवाड़ी को जिला बनने से वंचित रखा गया है। जब भी जिलों की बात आई है, जब 5 जिलों का भी नाम की घोषणा होनी थी तब भिवाड़ी का नाम उस लिस्ट में था और आज 19 जिलों की घोषणा हुई और तब भी भिवाड़ी को जिले से वंचित रखा गया है, जबकि भिवाड़ी राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व भिवाड़ी देता है और जब राजस्व जिले की बात आती है तो भिवाड़ी को उससे वंचित रखा जाता है। इस मांग को लेकर हम सभी संगठन आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और जिले की मांग को मजबूत करेंगे। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हमारी पकड़ है वो बहुत बेहद कमजोर रही है जिसके कारण हम जिला बनने से चूक गए? देखो, ये तो राजनीति वाले जाने, आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। आज बड़े शर्म की बात है कि औद्योगिक इकाइयों के मालिक और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिक, उनको अपनी मांग के लिए रोडों पे आना पड़ रहा है। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि भिवाड़ी के साथ छलावा हुआ है, भिवाड़ी के साथ धोखा हुआ है और भिवाड़ी की आम जनता इस मामले को लेकर बड़ी पीड़ा में है और हम इस मांग को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उमेद सिंह है, चौधरी उमेद सिंह, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कुशकेड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का और मेरा इंडस्ट्रियल का जो फील्ड है वो 40 साल का फील्ड है। और दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं या कोई भी इन्वेस्टर भिवाड़ी के अंदर आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आया था, उसकी कुछ आशाएं थी, वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन करके भिवाड़ी में आया था। इसको अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट ने जो एसपी ऑफिस आया, एक जिला घोषित किया एसपी का, तो 6 साल पहले हमें भी ये आशा थी कि भिवाड़ी तो जिला बनना ही बनना है। उसके चक्कर में जो भी इन्वेस्टर आया उसके लिए आपने देखा होगा भिवाड़ी बीड़ा बना, बीड़ा ने एक आश्वासन हुआ था, वहाँ एक प्लान बनी थी कि भिवाड़ी को ग्रेटर भिवाड़ी बनाया जाए, लेकिन आज तक देखा गया है कि ग्रेटर भिवाड़ी के नाम पे भिवाड़ी के साथ में छलावा हुआ है। और उसके साथ साथ जो भी इन्वेस्टर आए उनकी आशाओं के ऊपर गवर्नमेंट ने जो है पानी फेर दिया है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक बार दोबारा हमारी बातों की तरफ ध्यान दिया जाए और यहाँ जो इन्वेस्टर आए हैं जिनकी कुछ आशा